दोस्तों 11 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यू पार्लियामेंट में अशोक स्तंभ यानी ये अशोक स्तंभ के शेरों का वहां पर उद्घाटन किया, जिसके बाद पूरे देश भर में इन शेरों को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें इन शेरों का वजन है करीब 9500 किलो यानी कि 9500 किलो इनका वजन है और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई करीब 6.5 मीटर बताई जा रही है, जिसके बाद पूरे देश भर में कई सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें सबसे पहला सवाल देश की जनता उठा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी को पहली बात तो इन शेरों का उद्घाटन नहीं करना चाहिए था जो कि न्यू पार्लियामेंट की छत पर स्थापित किए गए। लोगों का कहना यह है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को इन सब शेरों का उद्घाटन करना चाहिए थे। वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन शेरों की बनावट के साथ छेड़छाड़ की गई है। लोगों का यह कहना है कि जो हमारा पिछला अशोक स्तंभ के तीनों शेर थे वो काफी शांत प्रिय थे, बल्कि जो नए अशोक स्तंभ के शेर न्यू पार्लियामेंट में लगाए गए हैं वो काफी डरावने और खतरनाक और आक्रामक दिख रहे हैं। जिसके बाद जब इसकी डिजाइन करने वालों से पूछा गया जिन्होंने करीब 6 महीने में इस डिजाइन को कंप्लीट किया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि ना तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी की तरफ से मिला है और ना ही हमें किसी गवर्नमेंट ने दिया है, बल्कि ये हमें कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी के द्वारा मिला है। जिसके बाद ये तो साबित हो रहा है कि जो डिजाइनर्स हैं उन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि इसमें काफी ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। पहले के अशोक स्तंभ के जो हमारे शेर हैं वो काफी शांत प्रिय हैं, बल्कि जो न्यू पार्लियामेंट में 3 शेर लगाए गए हैं वो काफी आक्रामक और खतरनाक दिख रहे हैं, जिनका मुंह थोड़ा ज्यादा खुला हुआ है। आखिर आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।